हेलो गाइस, इंटरनेट की दुनिया में आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि फैजू का अकाउंट बैन कर दिया गया है, तो ये बात सही है कि गलत, ये आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनिल लहरी एंड यू वॉचिंग थाउनेस बाबा। जी हाँ दोस्तों, फेजू का अकाउंट बैन कर दिया गया है। अगर आपको पता ना हो कि फेजू कौन है तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टिकटॉक जो एप्लीकेशन अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो टिकटॉक का स्टार यानी कि फेजू जो है वो टिकटॉक में बहुत बड़ा स्टार है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन उसके करीबन 25 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उसने हर एक अपने पोस्ट में यानी कि टोटल पोस्ट में 1 बिलियन से भी ज़्यादा हार्ट उसने रिसीव कर लिया है, यानी कि बहुत बड़ा टिकटॉक स्टार कहा जाता है वो है फेजू। लेकिन एक गलती की वजह से उसका अकाउंट बैन कर दिया गया है। वो गलती क्या है वो मैं आपको बता दूँ। फेजू और उसकी टीम यानी कि टीम 07 ने मिलकर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उसने जिक्र किया था झारखंड के तबरेज अंसारी का। मैं आपको बता देता हूँ कि उसने क्या बोला था, वही वर्ड्स मैं आपको बोल के सुनाऊँगा। उसने ऐसा बोला था, मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन जब उसकी औलाद बदला ले तो ऐसा मत बोलना कि मुसलमान आतंकवाद है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये वीडियो उसने टिकटॉक में बनाया था और वो वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो गया था, क्योंकि उसके 25 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इसीलिए उसने ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल कर लिया था। लेकिन उसको जब पता चला कि ये वीडियो सही नहीं है तो उसने हालांकि वो वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने का क्या फ़ायदा, जबकि उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर थे, इसीलिए उनका वीडियो जल्दी से जल्दी सब लोगों में वायरल हो गया और ये वायरल होते होते एक ऐसे समाज सुधारक के पास पहुंचा जिसका नाम है रमेश सोलंकी। उसने फेजू के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR लिखाई और धारा 153 के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, उनकी पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस वीडियो की वजह से उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया वो मैं आपको बता दूँ। उसने रिलीजन के खिलाफ वीडियो बनाया था, यानी कि वो रिलीजन को अपने रिलीजन को बढ़ावा दे रहे थे। दोस्तों, एक बात आप ध्यान में रखना हमेशा, चाहे आप बहुत ही बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो, चाहे आप इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा फॉलोअर आपके पास क्यों ना हो, चाहे आप फेसबुक में भी फेमस क्यों ना हो, चाहे आप टिकटॉक में भी स्टार क्यों ना हो, अगर आप बहुत ही जल्दी या फिर बहुत ही ज़्यादा तरीके से आप वायरल हो रहे हो, बहुत ही जल्दी आप फेमस हो रहे हो, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जो है आप अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखो, आप अपने यूज़र्स का ख्याल रखो, आप अपने फैंस का ख्याल रखो उसके बारे में, या फिर कभी भी ऐसे वीडियोस मत बनाना जो कि रिलीजन को बढ़ावा दें। तो दोस्तों, इसी वजह से फेजू और उसकी टीम का अकाउंट बैन कर दिया गया है, टिकटॉक ने उसका अकाउंट बैन कर दिया गया है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतना बड़ा स्टार होके जब उसने इतना बड़ा नाम कमाया है, इतनी सारी मेहनत करके वो इतना आगे आया है, उसके बाद भी सिर्फ एक गलती की वजह से उसका पूरा अकाउंट बैन कर दिया गया है। हाल ही में जन्नत जुबैर के साथ उसका एक सॉन्ग भी आया था, वो सॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था, उसमें भी करीबन 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, वो भी उस सीरीज़ ने उसमें से डिलीट कर दिया गया, वो भी गाना उसको निकाल दिया है, यानी कि ऐसा बोले तो फेजू को उस गाने से भी लात मार दी गई है। तो दोस्तों, आपसे एक ही सजेशन करूँगा कि आप बहुत ही बड़े स्टार क्यों ना हो, लेकिन आप अपने फैंस का ध्यान जरूर रखना या फिर किसी रिलीजन को बढ़ावा कभी भी मत देना। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ कि फेजू का अकाउंट बैन कर दिया गया है। हालांकि उसका अकाउंट परमानेंट बैन नहीं किया है, इसके ऊपर अभी चर्चा होगी, उसके बाद ही उसका अकाउंट जो है हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अपनी आज की न्यूज़। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और एक बात, इस वीडियो में कुछ जानना मिला हो, इस वीडियो में कुछ सीखना मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आगे भी कुछ ऐसा ही जानने चाहते हो, आगे भी कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।